हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप रियलमी के रियलमी 7 प्रो के यूज़र हैं और आपका जो फ़ोन है वो रियलमी वाई 1.0 पे रन कर रहा है, यानी एंड्रॉयड 10 पे रन कर रहा है, तो फाइनली आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि रियलमी ने आपके लिए रियलमी वाई 2.0 का स्टेबल अपडेट, यानी एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट रूल आउट करना शुरू कर दिया है। तो फटाफट एक बार आप भी जाके सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करिए, हो सकता है कि ये अपडेट आपको मिल गया हो, और नहीं मिला है तो आगे बात करूँगा कब तक चांसेज है आपको ये अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी साइज है, क्या इसका वर्जन है, और क्या आपको Realme Y 2.0 का जो अपडेट है उसमें अपने फोन को अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने Realme 7 Pro को Realme Y 2.0 पर लगभग 15 दिन यूज किया हूं, जो थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के इन तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बता दूं कि 2 से 3 दिन पहले आपके Realme 7 Pro में एक अपडेट पुश किया गया था जिसका वर्जन था 8.39। उसी वर्जन पर Realme Y 2.0 का स्टेबल अपडेट पुश किया गया है जिसका वर्जन है C.20। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी साइज़ की बात करें तो दोस्तों वो है 3.47 GB के आसपास की साइज़ है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये अपडेट जो है वो स्टेबल अपडेट नहीं है, तो मैं आपको एक बार दिखा दूं। दोस्तों, ऑलरेडी मेरा जो Realme 7 Pro है वो Realme Y 2.0 में अपडेट हो चुका है, तो मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो C.20 है वो ऑफिशियल वर्जन है, यानी कि ये स्टेबल अपडेट है। तो डेफिनेटली जो अपडेट आया है C.20 का आपके Realme 7 Pro में वो स्टेबल अपडेट है। बहुत सारे लोगों का कमेंट अब ये आएगा कि क्या हमें Realme Y 2.0 का जो स्टेबल अपडेट है उसमें हमें अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं बता दूं दोस्तों, जब भी कोई मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो थोड़ा बहुत उसमें बग्स होते हैं, ऐसा यहाँ पे भी है, लेकिन बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिले हैं। जैसे फोटोग्राफी ले लीजिए या परफॉर्मेंस ले लीजिए, यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं। लेकिन कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उसके बारे में बात करूँ तो दोस्तों, यहाँ पे बैटरी ड्रेन की इशू मुझे देखने को मिली है। ऑलरेडी 2 घंटे का लगभग स्क्रीन ऑन टाइम पहले की तुलना में कम हो गया है, तो बैटरी ड्रेन की इशू आ रही है। अगर मैं आपको सेटिंग में ले जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पे जो ब्राउज़र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन की इशू हो रही है। आप देख सकते हैं लगभग 25% मेरा बैटरी ड्रेन हुआ है केवल 1 घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम में। फ़ोन बैटरी यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है, जबकि मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ उस ब्राउज़र को। तो यहाँ पे एक बैटरी ड्रेन की इशू आ रही है। और दूसरा जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप की प्रॉब्लम है, कि अभी भी ऐप जो है वो क्रैश कर रहे हैं। अब जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जब काइन मास्टर से करता हूँ तो ऐप बार बार क्रैश हो रहा है। ये थोड़ा बहुत बग्स मुझे देखने को मिले हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिले हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए, अगर बैटरी ड्रेन के इशू को आप इग्नोर कर सकते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, Realme Y 2.0 के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, क्या कुछ फीचर इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।